अगर आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं तो शायद ही आपने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर राजेंद्र प्रसाद, ये 5-7 नेताओं को छोड़कर और नेता जो गांधी से पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रहे या उनके समकालीन रहे, तो उनका नाम शायद ही आपने सुना हो। तो इसमें गलती किसकी? या तो उन किताब लिखने वाले, न्यूज़पेपर छापने वालों की गलती पिछले 80 सालों में कि भाई इन 5-7 नेताओं के अलावा किसी को वो भारत की जनता के आगे दिखा ही नहीं पाए, उनके बारे में बता ही नहीं पाए, या फिर जो है हम लोगों की ही गलती है कि हमें और कुछ जो है पढ़ने का मौका नहीं मिला या हमने अपनी रुचि ही नहीं दिखाई। आज हम एक ऐसे ही नेता का जिक्र करेंगे, एक ऐसे ही नेता के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सबसे पहले हमको बताया कि किस तरह से ये जो अंग्रेजी ईस्ट कंपनी भारत में आई और फिर ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से जो है पिछले 200 वर्षों में हमें इतने बड़े स्तर पे लूट लिया कि उतनी संपत्ति में तो आप पूरी दुनिया को खरीद सकते थे। मैं बात कर रहा हूं दादा भाई नेहरू जी की। ये दादा भाई नेहरू जी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिन्हें अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूके भी कहा जाता है, और जब भी उनका जिक्र होता है सबसे पहले उनके द्वारा लिखी गई किताब जो उन्होंने लिखी थी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की जो है थ्योरी दी थी। यही ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अंग्रेज है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने अपने जो जो कंपनी से ऊपर सभी तरह के टैक्सेस को खत्म करके भारत में जो है व्यापार किया और भारत से कच्चे माल को जो है वो बिना किसी टैक्स दिए बाहर जाया करते थे इंग्लैंड में, उसमें कच्चे माल से उसका उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उससे जो है फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनाए और उसे पूरी दुनिया भर में महंगे प्राइसेस के ऊपर जो है बेचा। और इस तरह से जो है उन्होंने लगभग 200 वर्षों में जो है भारत को 200 से 300 मिलियन पाउंड, और ये जो बातें हैं हम 1901 में छपी इस किताब की कर रहे हैं, तब के 200 से 300 मिलियन पाउंड का अंदाजा जो है इस किताब में लगाया गया था, और आज तो ये जो है राशि और भी ज्यादा जो है वो होने वाली थी। तो आज हम इस दादा भाई नेहरू जी की बात करेंगे। भाई दादा भाई नेहरू जी जो कि अब सिर्फ भारत में ही राजनीतिक तौर पे सक्रिय नहीं रहे, इवन ये इंग्लैंड में भी लिबरल पार्टी की तरफ से लड़ते हुए 1892 से लेकर 1895 तक वहां के हाउस ऑफ कॉमन, जैसे भारत में आज हम लोकसभा बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, उनका जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर भी रहे। इसके अलावा भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के वो प्रेसिडेंट तो रहे ही 3 बार, मैं उनका भी अभी आपको जिक्र बताऊंगा कि कब वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, उसी वर्ष 1885 में वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेटेड मेंबर भी रहे। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है ये उसी समय पर हुई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को बनाने में भी उनका एक अहम रोल था। तो पारसी परिवार में जन्मे दादा भाई नेहरू जी, आज हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों आज जो है दादा भाई नेहरू जी का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन की बात करें तो 4 सितंबर 1825 को गुजरात के नवसारी जिले, आज जो इसका नाम है नवसारी है, नवसारी जिले में हुआ था, और जो है वो 1867 में भारत की राष्ट्रीय नेहरू जी संपत्ति का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है या भारत की आय है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इनका इंटरेस्ट शुरू से ही रहा, लेकिन सिर्फ जो है इकोनॉमिक्स में नहीं राजनीतिक तौर पे भी ये काफी सक्रिय थे। और आप देखें 1825 में इनका जन्म हुआ और 1800 जो है अगर मैं जिक्र करूं, पहली बार ये चर्चा में तब आए जब इन्होंने 1859 में जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में जो भर्ती की जाती है सिविल सर्वेंट्स की, उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर जो है अपना एजुकेशन जो है वो दिखाया। इसके अलावा 1800 जब वो पढ़ने गए यूके, दोस्तों काफी अमीर जो है ये घराने से थे, 1865 और 1866 में नेहरू जी ने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशंस भी जो बनाई। इंग्लैंड में रहते हुए भी
उन्होंने भाई कई सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वहाँ पर जो है प्रकाशित किए या उनको प्रकाशन करने में हेल्प की, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय, खासतौर पे यूरोप में रहने वाले भारतीय और दूसरे लोगों को भारत की जो जो गाथा है, भारत की जो समस्याएं हैं और किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें लूटते जा रहे हैं, किस तरह से वो भारत पर अपना कब्जा कर रखा है, उन्होंने इसके बारे में बताने में सबसे ज़्यादा जो सफल व्यक्ति रहे और सबसे ज़्यादा किसने पैसा लगाया तो वो दादाजी नेहरू जी ने था। तो आज मैं इनके दो न्यूज़पेपर की भी बात करूंगा। एक न्यूज़पेपर जो है उसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया, और वॉइस ऑफ इंडिया है ये भारत और यूके के उस समय के जो है व्यापार के बारे में जो है ये जो खास तौर पे उसको दिखाने के लिए बनाया था, उसको प्रकाशन किया था। इसके अलावा उन्होंने एक और न्यूज़पेपर जो है प्रकाशित किया जो कि एंग्लो गुजराती, मतलब अंग्रेजी में भी गुजराती में भी था, जो उन्होंने जो है खरशेदजी कामा के साथ मिलकर जो है उसका उस न्यूज़पेपर का जो है उसको चलाया। उसका नाम था राष्ट्र गोफ्टर, मैं रिपीट कर दूं राष्ट्र गोफ्टर, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, राजनीति है, इकोनॉमिक्स है, तो कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे ये। जब कांग्रेस पार्टी के तीन बार के जो प्रेसिडेंट रहे उनमें से जब मैं जिक्र करता हूं, तीन बार में पहली बार जो है ये 1886 में रहे, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। 1906 का कलकत्ता सेशन थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वो सेशन था जब कांग्रेस पार्टी में जो है स्वराज का जो है रेजोल्यूशन वो पास किया गया था। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको इसे पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर से जो है कन्फ्यूज़न नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वराज को लेकर था। उस समय माहौल ऐसा था कि बंगाल का विभाजन हो चुका था और कांग्रेस पार्टी में जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो गर्म दल, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उनका उदय होना शुरू हो चुका था। तो ये ज़रूरी हो चुका था भी कि अब ये एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है और सिर्फ जो है अब मुलाकातें या जो है अपना जो है बयान देकर ही काम चलाने वाले नहीं थे, और ये एक उदय था 1906 का सेशन, जिसके बाद हमने देखा कि भाई ये ज्वालामुखी 1907 में सूरत सेशन में फटा और कांग्रेस पार्टी जो है अब एक नई कांग्रेस पार्टी के रूप में जो है ये 1906 के बाद ही उसमें हमें कई सारे जो विचार और जो वैचारिक तौर पे मतभेद पहले के 20 साल और बाद के 20 साल में हमें देखने को मिले। तो दादा भाई नेहरू जी के बारे में दोस्तों आज हमने पढ़ा, और क्योंकि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1825 पे, तो ऐसी ही पर्सनैलिटीज के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बस आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बताया करें, साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे अपने साथियों के साथ भी आप साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हर रोज डेली करंट अफेयर देखने के लिए सुबह 10:15 आप मेरे से जुड़े सक्सेस ट्री हिमाचल पर, जहां पर हम देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें हर रोज आपको जो है वो दोस्तों थ्रेटिकल और आपको जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीकों से पढ़ाते हैं। धन्यवाद।